हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। योर एक्सरसाइज 5.3 इज गोइंग ऑन एंड इन प्रीवियस वीडियो आई हैव सॉल्व्ड सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 5.3 व्हिच इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आल्सो आई हैव डिस्कस द देयर आर टू मेथड्स हैज गिवन इन दिस एक्सरसाइज। फर्स्ट मेथड इज योर फ्रैक्शन मेथड। इन दिस मेथड वी हैव टू अप्लाई द लॉन्ग डिवीजन, वी हैव टू अप्लाई द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मेथड एंड टुडे आई विल डिस्कस द अनदर मेथड दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। इन क्वेश्चन नंबर 4 यू हैव टू अप्लाई द लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड दिस इज द पॉलिनोमियल। यू हैव टू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट वॉच एवरी स्टेप बिकॉज दिस मेथड इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। सो यू हैव टू फ्लुएंसी, यू हैव इफ यू वॉन्ट टू फ्लुएंसी इन दिस मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वॉच केयरफुली ऑल द स्टेप्स, देन प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन योर सेल्फ अगेन एंड अगेन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दिस पॉलिनोमियल एज यूजुअल फॉर्म लाइक दिस। ओके, सो हियर दिस इज द डिवीजर एंड दिस इज द डिविडेंड। बच्चों ये डिवीजर है, इसको हम कहेंगे डिवीजर। डिवीजर का मतलब होता है जिससे हमें डिवाइड करना है, ठीक है, जिससे हमें डिवाइड करना है, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डिविडेंड, DIVIDEND, डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है बच्चों जिसको हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखते हैं इसको 2x माइनस 5 2x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 27x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 155। सो स्टूडेंट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टर्म, बच्चों बहुत ही ध्यान से इसको आपको समझना है। बच्चों इसमें हम जितने भी टर्म्स दिए हैं वन बाय वन एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, और एलिमिनेट करने के लिए हम इस डिवीज़र का यूज़ करेंगे। एक साथ बच्चों इसमें टर्म एलिमिनेट नहीं होंगे, इसमें वन बाय वन टर्म एलिमिनेट होते हैं। तो हम करेंगे क्या बच्चों, देखिए यहाँ पर 2x माइनस 5 लिखा हुआ है, ठीक है, 2x माइनस 5। अब हम इस 2x, जैसे मान लीजिए हमें इस 2x पावर 4 को एलिमिनेट करना है, समझ लीजिए इसको 2x पावर 4 को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, फर्स्ट टर्म यहाँ इसमें क्या है 2x, और इसमें क्या है बच्चों 2x पावर 4। तो ये आपका डिवीज़र है, ये आपका डिविडेंड है, समझ में आ रहा है ना। डिवीज़र जिससे हमें डिवाइड करना है, डिविजन जिसको हमें डिवाइड करना है। तो हम इस डिवीज़र में क्या मल्टीप्लाई करें जिससे हमें ये मिल जाए, इट मींस 2x में हम क्या मल्टीप्लाई करें जिससे हमें 2x पावर 4 मिल जाए। तो यहाँ पर बच्चों देखिए 2x का पावर 1 लिखा हुआ है, 2x का पावर 1 लिखा हुआ है, और हमें चाहिए कितना, 2x पावर 4 चाहिए। तो हम अगर x पावर 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x पावर 4 मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि 2x पावर 1 यहाँ पर बच्चों देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2x पावर 4। तो ये आपको एक टर्म एलिमिनेट करने वाला मिल गया हमें। तो हम यहाँ पर बच्चों किससे ले जाएंगे, x पावर 3 से, क्योंकि 2x ऑलरेडी है यहाँ पे। एक यहाँ पर देखिए वो x का पावर 1 था, x टू द पावर 1, और यहाँ पर क्या है बच्चों x टू द पावर 4 है। तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, x टू द पावर 3 की, तो 2x पावर 4 हो गया, ठीक है। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5 को x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, माइनस 5x क्यूब आएगा, ठीक है। तो हम इसको जो टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है x क्यूब उसी के एज इट इज़ उसके नीचे लिख देंगे माइनस 5x क्यूब, और उसके बाद हम सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि जब आप डिवाइड करते हैं, ठीक है,
तो आप सबट्रैक्ट करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं ना, ठीक उसी तरह से हम इसको भी सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट करने में हम, जैसे आपने अभी इसके पहले पढ़ा होगा, सबट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सबट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें आपने टू मेथड्स पढ़े होंगे। एक मेथड था आपका हॉरिजॉन्टल मेथड, एक मेथड था आपका कॉलम मेथड। तो समझ लीजिए कि ये कॉलम मेथड हम यूज़ करने जा रहे हैं। क्या यूज़ करने जा रहे हैं? कॉलम मेथड। कॉलम मेथड में आपने देखा था कि साइन चेंज हो जाता था, जो नीचे के टर्म लिखे होते थे उसमें साइन चेंज कर देते थे। तो देखिए यहाँ पर जैसे प्लस है, इसको हम इस, जब अगर किसी क्वांटिटी के आगे कोई भी साइन नहीं होता है तो उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, प्लस अंडरस्टूड होता है बच्चों। तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। बाकी इधर कोई टर्म नहीं है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये प्लस है, प्लस टू एक्स पावर फोर है, और ये माइनस टू एक्स पावर फोर हो गया, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक्स क्यूब लिखा हुआ है, एक्स क्यूब के अभी कोई भी कॉफिशेंट नहीं है तो हम उसको वन मान लेंगे, ठीक है। और ये प्लस है, और इधर बच्चों ये फाइव एक्स क्यूब पहले निगेटिव था, अब ये पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। तो प्लस फाइव एक्स क्यूब हो जाएगा। अब इसको जब प्लस करेंगे बच्चों तो एक्स क्यूब ऐसे लिख देंगे और फाइव वन सिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों सिक्स एक्स पावर थ्री, और बाकी के टर्म को आप एज इट इज इसको नीचे लिखेंगे इस तरह से। और यही आपको प्रोसेस तब तक करते रहना है जब तक वन बाय वन सारे टर्म इलिमिनेट ना हो जाए, और लास्ट में अगर कोई रिमाइंडर आपका बचता है, मान लीजिए कोई रिमाइंडर मिलता है, और रिमाइंडर अगर इस पॉलिनोमियल से छोटा होगा, छोटा कैसे आप उसको डिसाइड करेंगे? जैसे आपने देखा होगा जब आप डिवाइड करते हैं, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जैसे थ्री आया, अब थ्री क्या है, फोर से छोटा है, तो आप प्रोसेस स्टॉप कर देते हैं, लिखते हैं कि यहाँ पर रिमाइंडर थ्री है। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों कि हम डिग्री देखेंगे। अगर किसी, अगर रिमाइंडर में मान लीजिए फोर आया, सपोज फोर आया, तो इस फोर की डिग्री क्या होगी बच्चों? जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट है ना बच्चों, कांस्टेंट है ये फोर, क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी डिग्री जीरो हो जाएगी। और यहाँ पर बच्चों डिग्री क्या है, वन है, क्यों? क्योंकि टू एक्स माइनस फाइव की डिग्री यहाँ पर क्या होगी बच्चों, वन हो जाएगी, क्योंकि एक्स पावर वन होता है, तो डिग्री यहाँ पर वन है। और यहाँ पर डिग्री क्या मिला बच्चों, जीरो, तो वन क्या है, जीरो से बड़ा है, यानी जीरो क्या है, वन से छोटा है, यानी कि रिमाइंडर क्या हुआ, रिमाइंडर इससे छोटा हो गया, तब वहाँ पर हम प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। तो यही प्रोसेस आपको यूज़ करते रहना है। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर सिक्स है और यहाँ पर टू एक्स है, तो सिक्स टू एक्स है यहाँ पर बच्चों, और हमें लाना क्या है, सिक्स एक्स क्यूब। ध्यान से देखिएगा, टू एक्स है यहाँ पे, और हमें अगर हम सिक्स एक्स क्यूब ले आएंगे बच्चों तभी ये एलिमिनेट होगा टर्म। तो टू को अगर हम थ्री से अगर मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पर बच्चों एक्स पावर वन है और यहाँ पर एक्स पावर थ्री है, ध्यान से देखिएगा, x पावर वन, x पावर थ्री, तो हमें कितने x की ज़रूरत पड़ेगी, हाउ मेनी x यू हैव टू यूज़। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, x पावर वन, तो हमें x स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि देखिए बच्चों, टू थ्री ज़ा सिक्स, और x पावर वन और x पावर टू ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, x पावर थ्री, तो सिक्स एक्स क्यूब आ गया ना बच्चों। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, थ्री एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए बच्चों, थ्री टू ज़ा टू, थ्री ज़ा सिक्स, और एक्स स्क्वायर और एक्स पावर वन, ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर माइनस, क्योंकि यहाँ बच्चों देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर देखिए फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, और उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट, दिस इज़ द This is the new concept, because this in this class, from this class you have to study in this type of division. बच्चों यही आपका बेस है, क्योंकि आप नाइन्थ में पहुँचेंगे तब भी आपको यही प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा, और टेंथ में, ऐसे आने वाले क्लासेस में, तो ये आपको कम से कम एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। हर स्टेप को ध्यान से हम बता रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने में,
तो बहुत ही केयरफुली आपको देखना है किस तरह से हम इसको कर रहे हैं। देखिए बच्चों, 5 3 15, अब फिर वही प्रोसेस लगाएंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, प्लस है, ये साइन क्या है यहाँ पर, प्लस, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों माइनस के है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस और ये माइनस, तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा। फिर इस तरह से देखिए बच्चों, यहाँ पर -27x² है और ये पॉजिटिव हो गया है बच्चों, तो ये x² तो ऐसी चीज़ यहाँ लिखेंगे। और -27 + 15, अब ये बच्चों इंटीजर का क्वेश्चन है, ये क्या है बच्चों, इंटीजर का क्वेश्चन है। तो आपको मालूम है कि अगर कोई एक निगेटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो आपस में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे हम, बड़े नंबर को इस लार्जर नंबर को, स्मॉलर नंबर को लार्जर नंबर से माइनस करेंगे, तो कितना आएगा बच्चों, 7 - 5 = 2, 2 - 1 = 1, तो 12 आएगा ना। अब इस 12 को के आगे साइन कौन सा होगा ये देखना है। अब देखिए 27 क्या है, 15 से बड़ा है, और उसके साइन, उसके आगे कौन सा साइन लगा है, माइनस, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं बच्चों -12x². देखिए हर स्टेप को बहुत ध्यान से बता रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, -36x। अब ये टर्म यहाँ पर इसका सब्ट्रैक्शन किया गया तो -12x² है, और ये जो टर्म्स बचे हैं रिमेनिंग टर्म्स, उसको एज इट इज यहाँ पर हम लिख देंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर -12x² है और यहाँ पर है +2x, तो हमें 2x से लाना है -12x². अब इस 2x में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें -12x² मिल जाए। ध्यान दीजिएगा, हमें 2x को मल्टीप्लाई किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें -12x² मिल जाए, -12x², क्योंकि साइन भी सेम होना चाहिए ना। अभी तक हम देखें हमें प्लस मिल रहा था, यहाँ पे भी प्लस था, यहाँ पे प्लस था, तो माइनस किया गया। अब हमें माइनस लाना है, तो 2x को अगर हम -6x से मल्टीप्लाई करें बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, प्लस है। ये तो आप पहले से जानते हैं कि किसी नंबर के आगे, किसी क्वांटिटी के आगे कोई भी साइन नहीं होता है, तो वहाँ पर हमेशा प्लस होता है। तो प्लस इंटू माइनस, अपने आप क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, 2 × 6 क्या होगा, 12 हो जाएगा, और x × x क्या होगा, x² हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x × x का मतलब होता है बच्चों x^(1+1), यानी कि x². तो हमें क्या मिल गया रिजल्ट बच्चों, -6x से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -12x² मिलेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं -6x। अब -6 + -6 = 12x × x = x². अब यहाँ देखिए बच्चों, माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 6 = 30x। अब देखिए यहाँ पर भी हम साइन चेंज करेंगे क्योंकि हम माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये एक नेगेटिव था, एक पॉजिटिव था, कैंसिल हो गया। अब देखिए बच्चों, -36x है और -30x है ना, देखिए क्योंकि ये +30x था और अब साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया। तो अब देखिए आपको भी ये x तो आप ऐसी एज इट इज यहाँ लिख देंगे, और इसमें हम देखेंगे कि बच्चों ये क्या है, एक इंटीजर का क्वेश्चन है। आपने पढ़ा होगा इंटीजर में कि जब दो नेगेटिव नंबर होते हैं साथ में तो वो हमेशा ऐड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, और साइन किसका हम यूज़ करते हैं, माइनस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम ऐड करेंगे इसको तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यानी कि -66x आएगा यहाँ पर, इसका जो एडिशन होगा -66, और ये नंबर एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। अब हमें बच्चों यहाँ पर 2x लिखा हुआ है और हमें लाना कितना है, -66x, क्योंकि हमें -66x को एलिमिनेट करना है। समझ में बात आ रही होगी कि 1/1 टर्म हम एलिमिनेट करते जा रहे हैं। देखिए 2x⁴ को एलिमिनेट किया गया, फिर 6x³ को एलिमिनेट किया गया, फिर -12x² को एलिमिनेट किया गया, अब हमें -66 को एलिमिनेट करना है। तो 2x में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें -66 मिल जाए, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हो सकता है। देखिए अगर हम -33 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, 2x को अगर -33 से मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए प्लस यहाँ पे है, पहले ऑपरेटर क्या करेंगे, प्लस माइनस, माइनस 2, 33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 = 6 एंड 2 3 = 6,
और ये x ऐसे लिख देंगे तो हमें क्या मिला, -66x मिला ना बच्चों। तो यही आपको करना है, यानी कि हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -33 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा -66x। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि 2x को अगर हम -33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा -66x। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है आपके लिए, क्योंकि अभी नई चीज़ है, ये सब आपने अभी तक नहीं सीखा है, बट अब इस क्लास में तो सीखना ही ना है आपको, तो अभी तुरंत नहीं समझ में आएगा। आप इस वीडियो को एक बार, दो बार, 3 times, 4 times, 5 times जब भी आपको समय मिले धीरे धीरे इसको देखिए, और इसको, इसी क्वेश्चन को आप सबसे पहले अपने मन से लगाइए। यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाई योर सेल्फ। अब अगर उसमें अगर आपको फिर थोड़ी प्रॉब्लम आती है, फिर उस स्टेप को देखिए ध्यान से, ऐसे आप करेंगे तब बच्चों आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, और एक बार आपको समझ में आ गया बच्चों तो ये बहुत ही ईजी लगने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये 33 -33 को -5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए बच्चों माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 5 3 15 और 5 3 15 और 165 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, -165। अब देखिए बच्चों यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो प्लस, और यहाँ भी माइनस तो प्लस। अब ये कैंसिल हो गया क्या, अब देखिए बच्चों ये 155 था और यहाँ पर माइनस से प्लस हो गया तो ये भी 165 हो गया। इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, यहाँ प्लस 1 कैरी हो जाएगा, 6 6 12, यहाँ भी 1 कैरी, 3 10 20, तो 320 यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, रिमाइंडर। क्या आ गया, रिमाइंडर। अब ध्यान से देखिएगा, 320 क्या है, एक कांस्टेंट है, उसका डिग्री क्या मिलेगा बच्चों, 0। ये आपका डिवीज़र क्या है, इसका डिग्री क्या मिलेगा बच्चों, 1। अब डिग्री यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, इसका मतलब कि 1 बड़ा है 0 से, या हम ये कह सकते हैं 0 1 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या है कि यही हमारा रिमाइंडर है, क्योंकि आपको पता है कि जब डिवीज़र, रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर हमेशा जो होता है वो डिवीज़र से छोटा होता है। देखिए 3 क्या है, 4 से छोटा है ना, 3 छोटा है ना 4 से, तो आपने प्रोसेस को स्टॉप कर दिया। ठीक उसी तरह से यहाँ भी आप प्रोसेस स्टॉप हो गया, क्योंकि डिग्री यहाँ पर 0 है और यहाँ पर डिग्री 1 है, यानी कि ये नंबर छोटा है इस नंबर से, ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से छोटी है, तो इसका मतलब अब हमें प्रोसेस को स्टॉप करना है और हमारा जो रिजल्ट है वो आ चुका है। तो यहाँ लिख सकते हैं, हेंस कोशेंट इज इक्वल टू, कोशेंट क्या हो गया बच्चों, एक्स क्यूब प्लस 3x² -6x -30 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 320 एंड दिस इज द सोल्यूशन। नाउ लेट मी चेक द आंसर इज करेक्ट आर नॉट। question number 4, एक्स क्यूब प्लस 3x² -6x -33 एंड द रिमाइंडर इज -10, समथिंग रॉन्ग, रिमाइंडर यहाँ पर -10 आ रहा है, तो हाँ यहाँ पर -10 आएगा, क्योंकि बच्चों देखिए इधर थोड़ा सा गलती हो गया है। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ध्यान से देखिएगा, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस, माइनस 5 × -33 माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया, और ये हो गया 165। अब ये माइनस कर देंगे तो ये, अब ये प्लस 155 है और ये माइनस हो गया 165। तो आपको मालूम है कि जब एक नेगेटिव इंटीजर होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो वहाँ पर सब्ट्रैक्शन होता है और वहाँ पर माइनस, तो वहाँ पर हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस कर, छोटे नंबर को बड़े नंबर से माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 165 को 155 से माइनस करेंगे तो 10 आएगा, और नंबर 165 बड़ा है, ठीक है, तो -10 हो जाएगा, क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन लिख लेते हैं, तो यहाँ पर -10 हो जाएगा। इस हिसाब से इसका रिमाइंडर जो हमें मिला बच्चों वो -10 मिल गया, दिस इज़ द आंसर, बाकी सब सही है आपका। सो स्टूडेंट,
दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड इट हैज टेकन टू मच टाइम ओके, बट समझाना भी आपको था इसलिए थोड़ा सा हम इसमें समय लगा. नाउ वी आर मूविंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर मूविंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन पास द वीडियो टू नोट इट डाउन योर कॉपी एट टेक स्क्रीनशॉट. नाउ स्टूडेंट वी आर मूविंग द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4B पार्ट इज हियर अगेन यू हैव टू डिवाइड दिस पॉलीनोमियल बाय दिस पॉलीनोमियल एंड दिस इज द लार्ज क्वेश्चन, सो वॉच एवरी स्टेप वेरी केयरफुली. सो वी कैन राइट हियर दिस इज द डिवीजर एंड दिस इज द डिविडेंड. सो हियर वी कैन राइट एज यूजुअल फॉर्म लाइक एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एट एंड दिस इज दिस टर्म यू हैव टू राइट इन मिडिल दैट इज एक्स पावर 5 प्लस 3x पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 14x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 16. नाउ स्टूडेंट बच्चों सिर्फ आपको हर स्टेप को इस तरह से देखना है कि यहाँ पर क्या है बच्चों, हम इस डिवीजन के हर एक टर्म के फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करेंगे और वो कैसे एलिमिनेट होगा, इस डिवीजर के फर्स्ट टर्म से एलिमिनेट होगा. एक्स क्यूब यहाँ पर बच्चों क्या है, एक्स क्यूब है फर्स्ट टर्म ठीक है, और यहाँ पर क्या है एक्स पावर 5, यानी ये डिवीजन का टर्म है डिवीजर का टर्म है, तो इस डिवीजर को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें जिससे हमें एक्स पावर 5 मिल जाए, तो यानी कि हम अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो एक्स पावर 5 मिलेगा. क्यों, क्योंकि एक्स का पावर 3 प्लस 2 हो जाएगा तो एक्स पावर 5 हो जाएगा ठीक है. तो यही आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों एक्स टू द पावर 2, सो वी कैन राइट एक्स पावर 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब और प्लस 8x स्क्वायर. तो देखिए बच्चों यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस और ये माइनस, ये सब आपने पढ़ा होगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कॉलम मेथड में जब हमने बताया होगा हाउ कैन वी सब्ट्रैक्ट इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ कॉलम मेथड. कॉलम मेथड में बच्चों साइन चेंज हो जाता है ठीक है, तो ये टर्म कैंसिल हो गया ठीक है. अब ये प्लस 3x पावर 4 लिखा हुआ है और ये x पावर 4 लिखा हुआ है, प्लस करेंगे बच्चों तो देखिए यहाँ पर x पावर 4 एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर 1 है क्योंकि जब कोई कोएफिशिएंट नहीं होगा तो वहाँ 1 मान लेंगे, तो 3 1 4 हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों 3 1 4 हो गया ठीक है, तो यहाँ पर 4x पावर 4. अब दो निगेटिव है बच्चों, दो निगेटिव बार बार इंटीजर का ही कॉन्सेप्ट आ रहा है बच्चों, दो निगेटिव है यहाँ पर कोई कॉफिशेंट नहीं है तो 1 मान लेंगे, और जब दो निगेटिव होता है एक्स क्यूब एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे और जब दो निगेटिव होता है बच्चों तो प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो 5 1 6 हो जाएगा और साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, माइनस 6x क्यूब. फिर यहाँ देखिए माइनस हो गया, ये प्लस में है तो 8 और 6 14 होता है, तो 14 माइनस 8 करेंगे तो 6 आएगा, ये हो गया इतना. अब बाकी के जो टर्म्स यहाँ पर लिखे हैं एज इट इज़ यहाँ पर इसको लिख देंगे हम. फिर यहाँ पर देखिए बच्चों फर्स्ट टर्म यहाँ पर ये है और ये फर्स्ट टर्म इसका ये है. अब हमें एक्स क्यूब में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि हमें 4x पावर 4 मिल जाए, तो यानी कि एक्स क्यूब में अगर हम 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमें 4x पावर 4 मिलेगा, तो वही हम करेंगे. देखिए अगर हम एक्स क्यूब में हम 4x से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा बच्चों 4x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर एंड प्लस 4x जा 32x. देखिए बच्चों साइन चेंज हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये टर्म कैंसिल हो गया और ये क्या है बच्चों माइनस 6 है और ये प्लस 4 हो गया, माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 होता है. फिर देखिए बच्चों 6 माइनस 4 प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव माइनस 4 हो गया, प्लस 6 है, 6 माइनस 4 2 हो जाएगा. फिर यहाँ पर देखिए 30x माइनस 32x लिखा है, तो 30 माइनस 32 इसका मतलब क्या है बच्चों, एक निगेटिव पॉजिटिव माइनस होता है सब्ट्रैक्शन होता है, तो यानी 32 में से 30 माइनस करेंगे 2 आएगा
और साइन किसका लेंगे, माइनस का लेंगे, क्योंकि 32 इज द लार्जर नंबर देन 30, सो वी कैन राइट -2x -16। एंड नाउ वी कैन, अब यहाँ पे बच्चों -2x³ लिखा है और यहाँ पर x क्यूब लिखा है, x क्यूब में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि -2x³ मिल जाए, तो डेफिनेटली हम अगर x क्यूब में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 मल्टीप्लाई करेंगे -2, तभी तो हमें -2x³ मिलेगा। तो वही -2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलता है, -2x³ + 2x² - 2x - 16। देखिए सभी का साइन चेंज हो जाएगा, देखिए ये माइनस है, प्लस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, सेम टर्म है इसलिए लाइक टर्म है इसलिए सब कैंसिल हो रहे हैं। देखिए माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, यानी कि हमें जो रिमाइंडर मिला वो क्या मिला, जीरो। सो हियर द आंसर इज देयर फोर कोशेंट इज इक्वल टू x² + 4x - 2 एंड रिमाइंडर इज जीरो, दिस इज द आंसर। सो स्टूडेंट वॉच एवरी स्टेप वेरी केयरफुली, यू हैव टू सॉल्व दिस पार्ट दैट इज 4DRE। बच्चों 4CDE 3 पार्ट है इसमें, इनमें से कोई आपको दो पार्ट आपको लगाना है, ठीक है, यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। बट बिफोर वॉचिंग ऑल द स्टेप व्हिच आई हैव यूज्ड इन दिस सॉल्विंग दिस टू पार्ट, ओके। सो स्टूडेंट आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंड हाउ कैन वी डिवाइड द पॉलीनोमियल बाय एन पॉलीनोमियल विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिविजन मेथड। एंड बच्चों आपको थोड़ा सा आपको इसमें समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, ठीक है। नाउ आई विल सॉल्व सम न्यूमरल प्रॉब्लम और रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।